हेलो गाइस, मेरा नाम अंकित मेहता है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ जाइए पहले और सब्सक्राइब कीजिए। और याद रहे, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं अगली नई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। त्यौहार का टाइम है और बहुत लोगों के घर पर यह ट्रेडिशन हमेशा रहता होगा कि माँ लक्ष्मी जी को जलेबी का भोग लगाया जाए। और जब भी आप कहीं हलवाई वाले के पास या मिठाई वाले के पास मिठाई लेने जाते हैं, तो एक चीज़ आप हमेशा नोटिस करते होंगे कि उसके अंदर अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हलवाई या मिठाई वाले करते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। तो क्यों ना अपनी पसंदीदा मिठाई हम घर पे ही बनाएं। आइए जलेबी बनाते हैं। एक बोल में मैंने यहाँ पर 150 ग्राम मैदा ऐड किया है और उसमें मैं 150 से 175 ml जितना पानी ऐड कर रहा हूँ। पानी को मैं यहाँ पर बैचेस में ऐड कर रहा हूँ ताकि कोई भी लंप मेरे बैटर में ना रहे। अगर आप इंस्टेंटली बनाना चाहते हैं तो इस बैटर के अंदर 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो फ्रूट सॉल्ट यानी कि इनो भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं आज इसे नेचुरली ही फर्मेंट करने वाला हूँ। तो इस बोल को रैप करके या एक कवर करके इसको आप एक वार्म जगह पर रख दें। 10 से 12 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे बैटर में बबल्स आ गए हैं, जो ये दिखाता है कि फर्मेंटेशन काफ़ी अच्छे से हुआ है। इस बैटर को मैं लाइटली बीट कर लूँगा। और कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इम्प्रूव करने के लिए इसमें मैं 50-70 ग्राम जितना मैदा ऐड करूँगा और 2 टेबलस्पून पानी। अब हल्के हाथ से इस बैटर को मैं स्मूथ होने तक फेंट लूँगा। इसके बाद आप इस बैटर को या तो पाइपिंग बैग में भर सकते हैं या एक स्क्वीजी बॉटल में भर सकते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप चीनी और 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। साथ ही में 2 इलायची के दाने और कुछ केसर के धागे। इसे मैं मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक कुक करूंगा। कुक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे सिरप में एक तार की चाशनी बन चुकी है। अब एक फ्लैट बॉटम पैन को मैंने ऑयल से भर दिया है तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक और हीट कर लिया है। अब अपनी जलेबी इसमें आप पाइप कर सकते हैं। जैसे ही जलेबी आपकी गोल्डन ब्राउन एक तरफ से हो जाए तो उसे फ्लिप कर दें। और जब लगे कि दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो इसे सीधा ही वार्म शुगर सिरप में डाल दें। 20 से 25 सेकंड तक मैंने यहाँ पर एक जारे की मदद से इसे हल्का सा प्रेस करके रखा है ताकि जलेबी हमारी अच्छे से चाशनी पी ले। सिमिलरली बाकी सारी जलेबियों को भी आप इसी प्रकार से फ्राई कर लें। सर्व करने के लिए मेरे पास कुछ पिस्ता और सिल्वर लीफ थी तो मैंने उसी का यूज़ किया। आप इसे अपनी चॉइस के नट्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
अगर आप चाहें तो आप इसे एज इट इज भी सर्व कर सकते हैं, ये उसमें भी बहुत स्वाद लगेंगे। आई होप कि रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे और ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसे बनी। अलविदा, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।